Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। और सबसे पहले सर्वरूपा माता जी और प्रेम सखा प्रभु का धन्यवाद, जो हर दिन के जैसे अपना राधा माधव शुरू करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से गाते हैं। और आप सभी का स्वागत साधु संघ के, हम लोग हम जो रोज भागवत हम पढ़ते हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। और आज आप सब लोग के संग की वजह से हम लोग आज जो प्रथम स्कंध है उसका लास्ट 19वां अध्याय है, उसके भी लास्ट 3 श्लोका है उनके ऊपर आ गए, वो सिर्फ और सिर्फ आपके संग की वजह से है। और इसलिए आप सबका सही दिल से हृदय से अभिनंदन करती हूँ और दंडवत प्रणाम करके चालू करती हूँ आप सभी को, दंडवत प्रणाम करके। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी शिक्षा गुरुओं से और जो भी आचार्य है उनसे जो सुना है जो सीखा है वही मैं जो आज के श्लोका में बोलने का प्रयास करूंगी, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलूंगी, जो सीखा है वही बोलूंगी। और जो अपने और यही प्रार्थना करती हूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ आपको समझ में भी आ जाए, इसके लिए हम लोग गुरु और गौरांगा और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि समझ में आ जाएगा। पहले प्रेयर करेंगे फिर उसके बाद हम लोग क्लास चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नेष्टकी। ओम अज्ञान्तिमीरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददापि स्वभकान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भागवतम के 19वें अध्याय का श्लोका नंबर 39 पढ़ेंगे। हरि बोल आप। ओके, मैं शेयर करता हूँ पहले। यत्श्रोतव्यं मतो जप्यं यत्कर्तव्यं ऋभि प्रभु स्मर्तव्यं भजन भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। Translation: Please let me know what a man should hear, chant, remember and worship, and also what he should not do. Please explain all this to me.
अगला श्लोक श्लोक नंबर 39। न्यूनं भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु ग्रहमेदिनां न लक्ष्यते हि अवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित्। Translation: O powerful Brahmana, it is said that you hardly stay in the houses of men long enough to milk a cow. Akrishlok. Sutavacha evam abhashitah prashtah saragnas slakshnaya gira pratyabhashata dharmagno bhagavan. Sukta Goswami said, the king thus spoke and questioned the sage using sweet language. Then the great and powerful personality, the son of Vyasadeva, who knew the principles of the religion, began his reply. Hare Krishna. Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे. अनुवाद: कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद शिल प्रभुपाद. शिल प्रभुपाद की जय. कृपया मुझे बताए कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताए कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए. फिर अनुवाद आता है 39 नंबर श्लोका का. हे शक्तिशाली ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है. श्लोका नंबर 40 का अनुवाद. श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए. तब महाराज एवं शक्तिशाली पुरुष एवं धर्मवेता व्यासदेव के पुत्र ने उत्तर देना प्रारंभ किया. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. तो आज हम लोग ये श्लोका समझने का प्रयास करेंगे, तीनों श्लोका. तो पहले श्लोका में परीक्षित महाराज कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, इसके बारे में बोलते हैं. हम लोग को सबको पता है, इतने दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि परीक्षित महाराज को शाप मिला था और फिर उन्होंने क्या किया, तुरंत सब कुछ अपना त्याग दिया और गंगा किनारे आ गए. और सब वहां पर जो भी ऋषि मुनि, उन्हें भी भगवान की आज्ञा से उन्हें भी स्मरण हुआ कि ये परीक्षित महाराज का आखिरी टाइम है और यहाँ पर जाना. सब ऋषि मुनि सब आए थे. ऐसे सब ऋषि मुनि जब भीष्म पितामह थे, उनके वक्त भी आए थे, उनके अंतिम वक्त, और यहाँ पर भी आए हुए. यहाँ पर लेकिन एक ही फर्क था. लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था. यहाँ पर क्या था कि वहां पर भीष्म पितामह के वक्त स्वयं भगवान थे और यहाँ पर भागवतम था, जो भगवान के भगवान का ही एक रूप है भागवतम. और वहां पर स्वयं भगवान अपने शरीर के रूप में थे, ये हमने देखा था. और तब भी हमने ये भी देखा था कि परीक्षित महाराज को तब भी पता चला जब एक और भी देखा था कि परीक्षित महाराज किस तरह भगवान कृष्ण के परपोत्र है, उनसे मिले थे और फिर उद्धव जी से मिले थे. और उद्धव जी वहां पर सब कृष्ण की रानियां हैं, उन्हें भागवतम सुना रहे थे और उनका बहुत मन था लेकिन सुनने. तभी उद्धव जी ने उन्हें कहा था कि सुखदेव गोस्वामी जो है उनके द्वारा आपको भागवतम सुनने का योजना है, तो वो आप उनके द्वारा भागवतम सुने. तो जब यहाँ पर जब सब ऋषि मुनि आते हैं और उसी वक्त सुखदेव गोस्वामी आते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जैसे संत है वो मिलना बहुत मुश्किल है. हमने देखा था कि व्यासदेव जी है वो भी अपने पुत्र से मिलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इसलिए पुत्र मांगा था कि जो भागवतम लिखा है उसका प्रचार करने के लिए, अगर जो लिखा है वो ठीक है लेकिन उसे सही तरीके से
भगवान का जो संदेश है वो पहुंचाने वाला भी चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने भगवान से सही पुत्र मांगा था, तो वो हमने देखा था, और इसलिए उन्हें भी ढूंढने के लिए कितनी मुश्किल हुई रही थी, तो उन्होंने अपने शिष्य को किस तरह से तैयार किया था, और फिर किस तरह से व्यास देव जी आए थे, और फिर जब ये सब सुना फिर से गए वो, और फिर उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन भगवान की ऐसी योजना थी कि उनके मन में भगवान ने दिया कि आपको परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाने के लिए गंगा किनारे जाना है, और वो तुरंत वही जगह पर आ गए, वहां पर परीक्षित महाराज और सब ऋषिगण थे, और यहाँ पर फिर परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवत गीता में भी आता है कि जातस्यम हेद्रियो मृत्यु, 2.27 नंबर वाला श्लोका, कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है, लेकिन क्या है, कोई उसको अंगीकार करता है और कोई उसका प्रतिकार करता है। तो हमें जैसे परीक्षित महाराज ने अपनी मृत्यु को अंगीकार कर लिया, और एक और है जिन्होंने, जिन्हें पहले से पता था, सबको पता नहीं होता है कि मृत्यु कब होने वाली है, लेकिन जैसे ही हम लोग जन्म लेते हैं उसी तरह भागवतम ने हमें सुना है भगवत गीता में, जन्म लेते हैं उसी टाइम हमारा मृत्यु का दिन भी निश्चित होता है। हमने भी सुना था जब युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित महाराज की पूरी जन्म कुंडली जब बताई थी उन्हें ऋषि मुनियों ने, तभी उन्हें यह भी बताया गया था कि तक्षक नाक के ढसने की वजह से उनकी मृत्यु होने वाली है, और वो भी बताया था कि वो उनकी जब मृत्यु होगी तब सुखदेव गोस्वामी द्वारा उन्हें भागवतम सुनाया जाएगा, वो सब बताया गया था, ये पूरा था। और एक जन को भी ऐसे ही था कि उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु कब होने वाली थी, वो थे कंस। कंस को जब पता चला कि देवकी के आठवें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, तो उन्होंने क्या किया, उनके वो मृत्यु का जो बताया गया उसके अपने प्रतिकूल में ले ली, और वो सब राक्षसों को भेजने थे कि देवकी का आठवां गर्भ नष्ट करना है, उसके लिए उन्होंने उनके 6 गर्भ पूरे नष्ट किए, और देवकी को भी मारना चाहता, लेकिन वसुदेव जी ने रुका दिया। तो उसने क्या किया, जो उसे समझा उसे प्रतिकूल ले लिया, इसलिए फिर उसका भला नहीं हो सका, और उसने इतना प्रयास किया कि वो मृत्यु ना आए, लेकिन हुआ क्या, जो मृत्यु, अगर जो भी जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, भगवान स्वयं आए थे और उसकी मृत्यु हो गई थी। और वही परीक्षित महाराज को भी पता चला, उन्होंने क्या किया, अपनी मृत्यु अंगीकार, जब श्रमिक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया तब उन्होंने अंगीकार कर लिया, और ये 7 दिन जो मुझे मिले हैं उसका मुझे पूर्णता कैसे उपयोग करना चाहिए, और अंगीकार करके मुझे, हाँ मुझे मेरी मृत्यु है निश्चित है, लेकिन उसका मैं क्या, उसके जो मुझे पता चला है कि 7वें दिन, तो उसके पहले तो मुझे कुछ भी होने वाला नहीं, तो 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली, तो 7 दिन है, तो उसके लिए मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मैं भगवत धाम जा सकूँ। और परीक्षित महाराज जो पहले से ही भागवत थे, तो ऐसे, और फिर उन्होंने भागवतम, किस तरह से भागवतम पढ़ लिया और सुना, और उसके बारे में आता है, और जब उन्होंने पूरी भागवतम सुन ली तो 7वें दिन जब तक्षक आने वाला था तो उसके पहले ही वो वैकुंठ धाम चले गए थे उनकी आत्मा, और फिर तक्षक ने उनके शरीर को जब ढसा, और फिर उनका उसका जहर इतना तीव्र था कि तुरंत उनका शरीर जो है वो भस्म हो गया, राख हो गई, और वो गंगा तट पे ही थे तो गंगा की लहरे आ गई और उनके राखों भी अपने साथ ले गई। तो इस तरह परीक्षित महाराज का पूर्ण, उन्होंने जो अपनी मृत्यु थी उसको अपने अंगीकार कर लिया और उनका भला हो गया। और फिर आता है श्लोका नंबर 39,
और यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी संत होते हैं, सुखदेव गोस्वामी, वो परीक्षित महाराज उन्हें बोल रहे थे ना कि आपका मिलना बहुत मुश्किल, क्योंकि वो कभी कहीं पर भी रुकते नहीं थे, वो सिर्फ उतना ही समय रुकते थे जितना समय गाय को दुहा जाता था। और यहाँ पर लिखा भी है कि प्रातः काल जब वो धारोष्ण दूध, मतलब जब गाय का दूध निकालते हैं तो वो गर्म रहता है, गुनगुना रहता है, तो इसलिए उसे हिंदी में कहा गया है धारोष्ण, वो गर्म रहता है और वही दूध पिया जाता है। और कितना दूध लेते हैं जो गृहस्थ के से, कितना दूध लेते थे, आधा लीटर, यहाँ पर प्रभु जो गृहस्थ दूध देते थे उन्हीं के ऊपर वो अपना जीवन चलाते थे, एक ही बार वो सुबह सुबह जाके दूध लेते थे। और यहाँ पर लिखा है कि जो गाय का दूध होता है उसमें सब जितने एक प्रौढ़ व्यक्ति जो है उसके लिए भी वो सब उसमें विटामिन्स और सब होते हैं, उसके भरण पोषण के लिए गाय का दूध पर्याप्त होता है। और पहले के जमाने में हर एक व्यक्ति के पास इतनी सारी गाय होती थी तो उनके लिए वो दूध देना कोई मुश्किल की बात नहीं थी, तुरंत दूध मिल जाता था। और यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें भी जो संत महात्मा है उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनकी भरण पोषण का, क्योंकि उनका कार्य क्या है, समाज को सुधारना, समाज में भगवत नाम का प्रचार करना, उन्हें भक्त बनाना, तो इसीलिए वो सब जगह घूमते रहते हैं, एक जगह उनका ठिकाना भी नहीं रहता है, ना उनका कुछ परिवार रहता है, ना घर पर रहता है, वो घूमते रहते हैं और प्रचार कर, उनको तो कोई कमाई नहीं होती है, तो जो भक्त है उन्हें हमेशा उस बात का स्मरण रहना चाहिए कि हम जो है वो जो भी संत महात्मा है उनके लिए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि उनके पास कुछ भी अपने उर्दर निर्वाह का कुछ भी साधन नहीं रहता है, तो जब भी आए तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और जब भी हम लोग ऐसे करते हैं, महात्मा जो गुरु है उनके लिए हम लोग कुछ भी करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग भगवान की सेवा में कुछ भी दे सके तो भी वो कम है, क्योंकि जो भी है भगवान का ऐश्वर्य कितना है, हम लोग अगर कुछ भी कितना भी धन दे दे वो सब कम है, लेकिन हम लोग जो गुरु को देते हैं या जो भी अभी हमारे यहाँ सब संत महात्मा, मतलब हमारे जो भी इस्कॉन के गुरु वृंदे है वो सब संत महात्मा है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग दीक्षा लेके फिर से नहीं भूल नहीं जाना है, हमेशा जो भी संत महात्मा है स्पेशली हमारे जो गुरु है उनकी सेवा में हमें कुछ धन भी देना चाहिए, जैसे हम लोग अपने परिवार के लिए करते हैं। और हम लोग ये भूल जाते हैं जिन्होंने हमें अपने जो सच का परिवार है वो दिया है, हमारा जो उनसे नाता है वो हम लोग, हमारे जो शरीर का जो परिवार है उसके लिए हम लोग सब कुछ करते हैं हर महीना सब कुछ, लेकिन हम लोग अपने गुरु को भूल जाते हैं, ऐसे नहीं, उनके लिए भी हमें करना चाहिए, जो महात्मा है उनके लिए भी करना, पहले उनके लिए करना चाहिए तो भगवान बहुत खुश होते हैं। जैसे हम लोग भगवान को मध्य रख के सब काम करना चाहिए, तो भगवान से हमारा जोड़ने वाला कौन है, वही है गुरु संत महात्मा, तो पहले उनके लिए करना चाहिए फिर हमारे लिए करना चाहिए। और इसके लिए मैं एक कथा कहूंगी, जो यमुनाचार्य थे उनके शिष्य थे, वो बहुत गरीब थे, और एक बार क्या हुआ वो अपने शिष्य के पास गए, और जब उनकी शिष्य जो थे वो घर पे नहीं थे और उनकी पत्नी थी, और वो भी इतने गरीब थे कि उनके पास ठीक से वस्त्र भी नहीं थे, पूरे फटे हुए थे उनकी शिष्य की साड़ी, तो उनके गुरु महाराज है उन्हें वो आवाज देते हैं, वो दरवाजा नहीं खोलती है, तो महाराज उनको अपना अंग वस्त्र अंदर दे देते हैं और वो पहन के अपने आप को ढक के फिर बाहर आती है, महाराज को प्रणाम करती है और उन्हें आसन आदि देती है पानी वगैरह, और फिर उनकी सेवा करनी है, तो लेकिन वो तो इतने गरीब है तो उनकी सेवा कैसे करे, तो वो तुरंत, उसके पति भी नहीं थे, तो वो तुरंत जाती है वहां पर एक
बनिया होता है उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि मुझे ये सब सामान चाहिए आप दे दो। इसलिए जो बनिया है उसकी वो स्त्री के ऊपर जो है बुरी दृष्टि रहती थी, वो हमेशा उसका भोग करना चाहता था और वो साध्वी थी वो, और वो जाके तुरंत उसे बोल देती है मुझे कुछ सामान चाहिए वो मुझे दे दो, उसके बदले तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मैं पूरी कर दूँ। उसे इतना आश्चर्य लगता है कि मैं इतने दिनों से बोल रहा था ये कुछ नहीं, वो तुरंत उसे जो जो चाहिए था वो भर भर के दे देता है और वो आके अपने गुरु की सेवा करती है, गुरु को प्रसन्न करती है और गुरु महाराज चले जाते हैं। और फिर उसके बाद उसके पति आते हैं और पति बोलते हैं, और फिर वो अपने पति को कहती थी गुरु महाराज आ गए आए थे और फिर उनकी सेवा करनी चाहिए, तो मैंने ऐसे ऐसे कर लिया। और तो उसके पति बोलते हैं कि आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, गुरु के लिए अपने आप को बेच के भी हम अगर हम लोग को कुछ कर सके तो उसके लिए कोई खेद नहीं। और वो बोलते हैं जैसे तुम ने उस बनिए को वचन दिया था वो वचन आप पूरा करने के लिए जाओ। और गुरु गुरु महाराज को तो ये कुछ भी पता नहीं था, वो तो चले गए थे। और फिर वो जो शाम के वक्त वो जाती है रात के वक्त, और वहां पर फिर वो बनिया बोलता है कि ऐसा क्या हुआ जो आज तुम खुद आई और मुझे ऐसे बोला। तो उसने बोला कि आज है ना मेरे गुरु महाराज आए थे, मेरे पति भी घर पे नहीं थे और मेरे पास उनके लिए ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए तुमने मुझे हेल्प की, अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। तो वो जो बनिया होता है वो उसे जो उसने ये कहानी सुनाई जब अपने गुरु के लिए मैंने ये सब किया, तो उसे दंडवत प्रणाम करता है और बोलता है आज से तुम मेरी माता हो। तो उसने अपने गुरु के लिए कितना मतलब जो है वो सब देने के लिए चाह, तो भगवान ने उसकी तुरंत रक्षा की। भगवान कभी भी कुछ भी हम लोग गुरु के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो भगवान कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देते। और फिर आता है उसके बाद इसलिए हमें हमेशा अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, कभी उन्हें भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि हमारा ये कर्तव्य है जिस तरह हम अपने परिवार का भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, वैसे ही हमें अपने गुरु के लिए भी कुछ करना चाहिए। और उसके बाद आता है श्लोक नंबर 40। तो उसमें भी कहते हैं कि जब भी हम साधुओं से मिलते हैं तो उन्हें अपने आध्यात्मिक प्रश्नों के बारे में पूछना चाहिए, ना कि हमारे भौतिक प्रश्न के बारे में कि हाँ जब हम लोग मिलते हैं गुरु महाराज और भी कई महाराज से हम लोग सब मिलते हैं तो हमें क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए। हमें ये जाके नहीं पूछना चाहिए कि गुरु महाराज मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, वो उनकी पढ़ाई नहीं ठीक से चल रही, मेरा घर ठीक से नहीं कर चल रहा है उसके लिए कुछ करो, या फिर हम लोग बहुत बीमार है तो उसके लिए आप कुछ करो, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें उनके लिए। ये जो है वो बहुत उनका जो संघ है वो बहुत क्या बोलते हैं हमें बहुत मुश्किल से मिलता है, उसके लिए बहुत भाग्य होना चाहिए तभी हमें ये आध्यात्मिक गुरु का संग मिलता है। आपको पता है कुछ दिन पहले पाकिस्तान से माता जी आई थी, मैं उनका नाम भूल गई, उनका नाम क्या है? नित्य लीला माता जी। हाँ नित्य लीला माता जी। हाँ तो तब मुझे इतना बुरा लगा कि जो हमारे पास है हमें उसकी वैल्यू नहीं, हमें इतने सारे संतों के महाराजों के दर्शन होते हैं, प्रभुपाद जी के दर्शन होते हैं, हम लोग वृंदावन धाम जा सकते हैं, हम लोग यमुना जी का दर्शन कर सकते हैं, हम लोग मायापुर धाम जा सकते हैं, हम लोग गंगा जी का दर्शन कर सकते हैं, गंगा जी से स्नान कर सकते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड देख सकते हैं, लेकिन माता जी ये सब कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन उनका भाव कितना है, वो लोग कितने तड़प, और जब हमारे पास इतना सारा है, हमें एक नहीं इतने सारे महाराज दिखते हैं और फिर भी हमें उस चीज का वैल्यू नहीं है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत नसीब वाले हैं जो हमें ये महाराज मिले ये सब, तो हमें उसके लिए जो हमें अध्यात्म के लिए, जैसे परीक्षित महाराज ने क्या पूछा कि अब मेरे पास 7 दिन है तो इसके लिए मैं क्या करूं भगवान के धाम, तो हमें वही करना चाहिए।
परीक्षित महाराज हमें भगवान ने जो लीला रचाई परीक्षित महाराज को हमें सीख दिलाने के लिए, तो हमें भी इसे करना चाहिए। परीक्षित महाराज जैसे कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन है, कौन से दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी वो भी हमें पता नहीं, इसी 7 दिनों में से कोई भी दिन, तो हमें टाइम व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तुरंत जो महाराज और कुछ मिलते हैं तो उनसे हमें कि हमें हमारी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होता है तो उसके लिए क्या करें, हम हमें कैसे आनंद आए। हम लोग जब महाराज से मिलते हैं तो वही पूछना चाहिए कि मुझे इस सब में आनंद नहीं आता है। हम लोग जब भक्ति के पहले स्टेज में होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम तुरंत थोड़ी देर जब तक हम लोग बैठते हैं तब तक हम लोग कथा सुनते हैं तब तक हमें अच्छा लगता है, फिर उसके बाद हम लोग सब भूल जाते हैं। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, तब महाराज को पूछना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा होता है, फिर मैं इतने सालों से भक्ति में हूँ लेकिन मेरी प्रगति नहीं हो रही, उसके लिए क्या करूँ। और जो आपको आनंद आता है ना वो मुझे कैसे भी, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरे गुरु महाराज जब कीर्तन करते हैं भक्ति बृंग गोविंद स्वामी महाराज, तो वो कंटिन्यू बोलते रहते, ऐसे मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं तो थोड़ी देर बात करूंगी अभी बोलूंगी तो मेरा गला सूख जाएगा, और कीर्तन इतने टाइम तक तो नहीं, और उन्हें कितना आनंद आता है। मतलब अगर हम लोग उन्हें 3-3 घंटे तक कंटिन्यू कीर्तन करते हुए सुनते हैं और तब भी गुरु महाराज वैसे फ्रेश रहते हैं, उल्टा उनमें और ज्यादा उत्साह, तो ये कैसे आता है। तो हमें ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए कि मुझे तो कुछ भी आनंद नहीं, जब हमें महसूस होता है मुझे कुछ भी नहीं आता है आनंद की, जैसे गुरु महाराज और जितने सारे भक्त हैं जो वरिष्ठ भक्त हैं वो जब भी सुनते हैं तो खो जाते हैं, तो हमें अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें शर्माना नहीं चाहिए, तुरंत बोलना चाहिए मुझे ऐसा नहीं होता है, मुझे ऐसा क्यों नहीं होता है, ये सब पूछना चाहिए, ना कि अपने भौतिक प्रश्न पूछने चाहिए। और इसी के साथ आज का ये जो 19वां अध्याय है वो खत्म होता है, और इसका उसके बाद हम लोग भगवान के दूसरा चरण, ये जो पहला और दूसरा अध्याय है वो भगवान के 2 चरण है, तो हम लोग भगवान के दूसरे चरण दूसरे अध्याय के पास। तो खत्म करने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, तो उससे शायद मुझे ये स्टोरी सुन के बहुत ये मिला था, अच्छा लगा था, और कि हमारा मकसद क्या होना चाहिए वो मुझे पता चला था, और ये मैंने सुनी थी सार्वभौम प्रभु के भागवत में, वो सुनाती हूँ। एक पुरुष रहता है और उसकी 4 पत्नियां रहती है, एक का नाम रहता है काया, दूसरी का नाम रहता है कंचन, तीसरी का नाम रहता है कामिनी, और चौथी का नाम रहता है करुण। तो वो जो काया जो है उसकी पत्नी काया नाम की, वो उसे बहुत प्रिय रहती है और वो उसे हमेशा अपने साथ रहता रखता है, और जो कंचन रहती है उसे वो रोज सुबह उठ के पहला उसका मुंह देखता है कंचन का, और उसे भी वो बहुत उसे वो बहुत प्रिय होती है। जब भी कंचन का कभी कभी उसे भी लेके जाता था, उसका भी प्रदर्शन करता था और सबको कंचन के बारे में बताता था, उसे बहुत खुशी होती थी कंचन के साथ रहते। और तीसरी थी कामिनी, तो कामिनी भी उसे अच्छी लगती थी, कामिनी को भी कभी कभी अपने साथ लेके जाता था घुमाने के लिए, लेकिन जो चौथी जो थी करुणा उसे वो कभी देखता भी नहीं था, उसके बारे में सोचता भी नहीं था, देखता भी नहीं था, वो ऐसे सिर्फ वो 3 पत्नियों से ये करता था। तो जब उसका मृत्यु का समय आया तब उसने काया से कहा, काया तुम तो हमेशा मेरे साथ रही, मैंने कभी अपने आप से तुम्हें अलग ही नहीं किया, तुम मेरे साथ चलोगी। तो काया ने कहा नहीं नहीं मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, ज्यादा से ज्यादा मैं आपके मृत्यु की शैया तक आ सकती हूँ, जो शमशान में जो आपके शैया लगेगी उस तक आ सकती हूँ, उसके बाद मैं नहीं आऊंगी। फिर कंचन को बोलते है, कंचन मैंने तो तुम्हें इतना संभाला, इतना प्यार दिया, तुम आओगी मेरे साथ। कंचन बोलती नहीं, जैसे ही आप मरोगे मैं दूसरे की हो जाओगी, दूसरा ब्याह कर लोगी। तो बोलते कैसे, और फिर आती ही बारी कामिनी, कामिनी को कहते हैं आप चलो मेरे साथ, तो कामिनी बोलती है नहीं मैं तो
आपको ही अकेले ही जाने पड़ेगा, मैं तो आपके साथ नहीं आऊंगी, मैं सिर्फ शमशान तक ही आपके पास आऊंगी। और फिर वो दुखी रहता है। तो चौथी है, वो खुद ही आती है और बोलती है, आपने मुझे नहीं पूछा कि मैं आपके साथ आऊंगी या नहीं। तो बोलते, मैंने तो कभी तुम्हारा स्मरण ही नहीं किया, और मैं अब किस मुंह से बोलूं तुम्हें कि तुम मेरे साथ आओगी या नहीं। तो बोलती है, नहीं फिर भी मैं आपके साथ आऊंगी, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो वो प्रभु जी बोलते हैं, जो वो पुरुष है वो हम सब आत्माएं हैं, और जो वो काया है वो हमारा शरीर है, कंचन है वो जो हमारी धन दौलत जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो सब है, और कामिनी जो है जो हमारे सब रिश्तेदार वो सब रिश्ते नाते वो है, और करुणा जो है वो भगवान है, वो हमें कभी नहीं छोड़ दे। हमने देखा काया हमारा शरीर छूट जाएगा सब, तो हमें हमेशा करुणा को पकड़ के रखना चाहिए। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं यहाँ पर रुकती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग पूरा फर्स्ट अध्याय है वो खत्म करने तक, फर्स्ट भागवतम का सॉरी अध्याय नहीं स्कंद खत्म करने तक हमारे साथ साधु संघ में जुड़े रहे, इसलिए सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और अगर हमें प्रभुपाद जी को संग चाहिए, प्रभुपाद जी की मर्सी चाहिए, तो हमें प्रभुपाद जी के बुक पढ़ने चाहिए। प्रभुपाद जी साक्षात उसमें है, ये भागवतम लिखने के लिए यही है पहला स्कंद जो प्रभुपाद जी है अपने साथ बाहर लेके गए थे और सबको यहाँ पर लेके आए। तो और जब मैं इसके बारे में सुन रही थी तो राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी ने भागवतम लिखा था, और जो उसके पहले तभी जो रूप गोस्वामी ने और उन्होंने सब भागवतम पहले से लिखा हुआ था, लेकिन उसके लिए एक एक श्लोका के ऊपर 150 लोगों के कमेंट्रियास थे। मतलब हर एक स्वामी हर एक महाराज ने अपना अपना तात्पर्य लिख के रखा है। तो प्रभुपाद जी ने उसमें से भी 150 लोगों में से भी हमें क्या किया, उसका सार जो है वो लाके हमें दे दिया इस तात्पर्य में छोटा बना के, और बहुत अच्छे से। अगर हमें मेरे गुरु महाराज हमें से बोलते हैं कि आप प्रभुपाद जी का बुक पढ़िए, प्रभुपाद जी उसमें साक्षात है, तो सच में हम लोग अगर प्रभुपाद जी का लिखा हुआ जो भी पढ़ते हैं तो उससे हमें बहुत मतलब हमें भक्ति में आगे जाने के लिए बहुत ये मिलता है, उन्नति मिलती है और उन्नति होती है। इसमें साक्षात प्रभुपाद जी है, और मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे प्रभु जी है गोपी मनोहर प्रभु जी, तो वो जब भी भागवतम पढ़ते हैं या कृष्ण जो भी पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, मैं बोलती हूँ मेरे पास तो हिंदी में है, मैं आपको हिंदी में दूँ, तो बोलते नहीं नहीं जो प्रभुपाद जी का खुद का लिखा हुआ इंग्लिश का ट्रांसलेशन है वो मैं पढ़ूंगा। तो उनके भाव ऐसा है, मतलब कि जो प्रभुपाद जी साक्षात है, तो मैं बोली हाँ सच में मेरे पास तो सब भी हर एक भागवतम का स्कंद हिंदी में भी है, मैं हिंदी में देती हूँ, तो बोलते नहीं नहीं जो प्रभुपाद जी का है ना वो अलग ही है, जो ट्रांसलेट किया हुआ है वो अलग है। तो हमें इसलिए प्रभुपाद जी का बुक पढ़ना चाहिए, और प्रभुपाद जी को हमने जो भागवतम का प्रथम स्कंद पूरा किया वो प्रभुपाद जी की कृपा की वजह से, उसके लिए उनको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और जब हमने पहला इसका अध्याय चालू किया तब उसके श्रोता थे सूरज माधव प्रभु, और उनके श्रोता थी सानिका माता जी, और जो उनके वक्ता थे वो सूरत माधव प्रभु थे। हमने पहले से एक सब प्लान किया था कि हम लोग सब लोग मिलेंगे 8:30 बजे सुबह, और हम लोग भागवतम सुनेंगे, लेकिन उस दिन जिस दिन भागवतम सुनना है उस दिन ही हम लोग सब लोग भूल गए। सत्यराज प्रभु ने ये आइडिया दी थी कि भागवतम चालू करना है, और वो भी नहीं आए, और फिर हम लोग भी सब लोग भूल गए। लेकिन ये दोनों थे सूरत माधव प्रभु, उनको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वो उस दिन रहे थे, और उन्होंने सिर्फ वो दोनों ही थे, एक ही सिर्फ वक्ता एक ही होता है वैसे वो एक ही थे, और श्रोता एक ही था सानिका माता जी, जो नए थे लेकिन वो टाइम पे आ गए थे और उन्होंने वो सुना था। आज तक माता जी है, भागवतम का प्रथम स्कंद हो गया, और इन दोनों की वजह से हम लोग फिर वो सब कंटिन्यू कर सके, इसलिए उनको भी दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी और धन्यवाद कुंजेश्वरी माता जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया और जैसे आपने अनुमोदन किया अंत में श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद की पूर्णाहुति होने के साथ, तो धन्यवाद माता जी। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपका संग मिला और हम तो मूड है प्रभु जी, मुझे डीट बोलते तो एकदम सही है, अभी सब समझ में आ रहा है कि इतना क्या कितना ये महत्वपूर्ण हमने मिस कर दिया प्रभु माता जी। तो माता जी हम आपसे याचना करते हैं, आप और सभी वरिष्ठ वैष्णव भक्तगण है जो भी आज संघ में, कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम और भी आगे एकाग्र मन से और ये उत्सुकता से और श्रवण कर सके। और माता जी जैसे आपने ये बहुत सुंदर तरीके से परीक्षित महाराज और कंस के बारे में हमें समझाया कि मरने के लिए किस प्रकार हमें तैयारी करनी चाहिए, और बाद में माता जी आपने जैसे ये यमुनाचार्य जी के शिष्य के बारे में बताया कि हमें कैसे गुरु महाराज या साधु संतों की हमें सेवा करनी चाहिए, तो उसमें माता जी वो जो कथा में अंत में जब वो उनके शिष्य और उनके धर्म पत्नी थे वो जब वापस गए उनके पास, वो जो जिनके पास से वो सब बनिए के पास, तो वो थोड़ा नेटवर्क के वजह से मुझे नहीं सुनने मिला, तो माता जी आप फिर से वो बताएंगे लास्ट में क्या हुआ था के, और बाद में माता जी अंत में आपने परम पूज्य भक्तिप्रिय गोविंद स्वामी महाराज जी के बारे में भी बहुत सुंदर बताया कि कैसे उनकी उत्सुकता है और जो हमारा ये सरल भाव है कि अगर हम नहीं कर सकते तो हमें उसी तरह समर्पण करना चाहिए, आत्मसमर्पण के हम इतना कर सकते हैं और आगे प्रयास करेंगे, तो ये बहुत अच्छी सीख दी माता जी आपने। और अंत में जो ये और एक जैसे हिज ग्रेस सर्वभौम प्रभु जी के की जो उन्होंने जो कथा बताई वो आपने हमें समझाई, बहुत ये इसमें भी सीखने मिला, धन्यवाद माता जी। और माता जी अंत में एक थोड़ा सा माता जी पॉइंट को थोड़ा और समझा सकते हैं, जैसे आपने बताया था कि वो भगवत गीता में से जो जिसका जन्म होता है उसकी भी मृत्यु होती है, तो उसी के साथ साथ आपने बाद में ये बताया था कि भगवान की भी ऐसे मृत्यु होती है, तो माता जी हमें वो किस तरह समझना चाहिए कि जैसे भगवान अवतारी है तो उनका जैसे ये सिर्फ समझने के लिए कि हमारे भी मृत्यु होती है, या थोड़ा वो थोड़ा क्लेरिक समझाएंगे माता जी प्लीज। हरे कृष्णा, प्लीज अपराध हुआ तो क्षमा करिए माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, मैंने ऐसा नहीं कहा था भगवान की मृत्यु होती है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट में क्लियर कर देती हूँ कि मैंने ये कहा था कि भगवान भी जब आते हैं धरती पे तो वो जाते हैं, मतलब वो यही सिखाते हैं। जब राम जी का अवतार था तो जैसे पहले भी भगवान के इतने सारे अवतार हुए, लेकिन जैसे उनका कार्य खत्म हो गया भगवान गए वहां से, मतलब वो अवतार चला गया उसका कुछ नहीं है। लेकिन जैसे राम जी का अवतार है तो उसमें क्या हुआ, भगवान जब अपनी लीला खत्म करते हो तो सरयू में चले जाते हैं, और भगवान कृष्ण का अवतार में तो वो वही सिखाते हैं कि यहाँ पर जो मृत्यु लोक में आते हैं तो ये जो शरीर बनता है उसे टालना, मतलब जाना ही जाना है, ये शरीर हमेशा रहेगा ही नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसके बाद में जो हमें मिलने वाला है उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ना कि इस शरीर को कैसे बचाए क्या करे उसमें नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए मैं और एक मुझे याद आए, नवयोगेंद्र महाराज जी थे, उन्होंने बताया था एक इंसान था वो भी ऐसे ही अपने शरीर के बारे में बहुत सोचता था, उसने गुरु भी बना लिए और फिर गुरु से बोलता था तो गुरु उसे अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते थे, लेकिन वो सब नहीं सुनता था, वो बोलता था कि मुझे आप ऐसा कुछ बताओ कि जिससे मुझे मुझे है ना मैं अमर हो जाऊं। तो फिर उसके महाराज बोले ये सही नहीं है, लेकिन वो बहुत जिद्दी था और बहुत सेवा करता था, और फिर महाराज बोले कि ठीक है मैं बताता हूँ, तो और उन्होंने उसे बता महाराज ने बता दिया कि हिमालय में ऐसा कुछ कुंड है, अगर उसका आप जल पियोगे तो आप अमर हो जाओगे, बहुत सारा परिश्रम करते वहां पर आ भी जाता है। ओके, तब तक मैं मेरा पॉइंट तब तक शेयर करता हूं टिल टाइम शी इज जॉइनिंग बैक। एक्चुअली इसमें ये जो स्टोरी है यमुनाचार्य जी के डिसाइपल की, मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि मतलब कितना डेडिकेशन था दोनों हस्बैंड वाइफ
मतलब वाइफ का तो था ही, लेकिन हस्बैंड आल्सो इमीडिएटली एग्रीड, बोला जो तुमने प्रॉमिस किया है गुरु महाराज के सेवा के लिए प्लीज डू दैट। हरे कृष्ण सॉरी। या ओके जस्ट मैं मेरा पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके तो ये जो डेडिकेशन था मतलब अपना गुरु का सेवा के लिए, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एक होता है वर्बल होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और दूसरा होता है एक्चुअल करना। जैसे ये जो माता जी थी उसने अपने गुरु के लिए अपना इज्जत तक मतलब शी गेव अप। पैसा तो दूर की बात है, आदमी तो मतलब पैसा भी नहीं देता, इवन ही इज नॉट एबल टू शेड हिज मनी, बट शी गेव हर बोलता अपना आबरू भी उसने दे दिया। तो कितना डेडिकेशन होगा उस लेडी में, और ये कुछ ऐसा इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, दिस इज ए रियल स्टोरी रामानुजाचार्य के जो डिसाइपल के वाइफ की। तो दिस इज समथिंग रियली वेरी इंस्पायरिंग, और ये मैं जब भी स्टोरी सुनता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं तो उतना नहीं कर रहा हूँ अपने गुरु के लिए, या बाकी सब जितने भी मेरे शिक्षा गुरु हैं, या मेरे जो मतलब जिनसे मैं शिक्षा लेता हूँ, जैसे राधा गोविंद महाराज जी है, फिर जिसने जय पताका महाराज, जितने भी शिष्य हैं मेरे, सॉरी गुरु हैं मैं जिनका शिष्य हूँ, उनको तो उतना तो नहीं कर पाता। लेकिन ये स्टोरी जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है नहीं, ये थोड़ा सा मेरा जो कम्फर्ट जोन है, कम्फर्ट जोन के बाहर जाके मुझे सेवा करना है तो ही होगा। मैं अपने कम्फर्ट जोन में रह के अगर ऐसा है तो ही सेवा कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं करूँगा। ये जो बाउंड्री है मैंने जो बांध के रखा है, उसके मैं थोड़ा सा बाहर जाके मैं थोड़ा करने की कोशिश करता हूँ। एंड फिर भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान भी जब देखते हैं कि थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हैं तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो दिस इज़ वन नाइस थिंग, तो ये हम लोग को करना चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग एक पास टाइम है, और बहुत सा पॉइंट्स जो था कुंजेश्वरी का आज का इसमें बहुत अच्छा था। और एक अच्छा लगा कि जैसे हम लोगों ने जो पहला स्कंद है रियली मतलब कैसे मतलब स्टार्ट किया और कैसे मतलब अभी ख़त्म होने आज ख़त्म हो गया, तो दिस इज़ वेरी नाइस थिंग। जैसे बोलते हैं ना भगवान के फर्स्ट कंटो सेकेंड कंटो, उनके दो चरण हैं, तो एक चरण का दर्शन हो गया, तो कल से हम लोग अभी दूसरे दर्शन जो दूसरे चरण का दर्शन हम लोग शुरू करेंगे। तो थैंक यू एवरीबॉडी आप लोगों का सपोर्ट की वजह से। और जैसे कुंजेश्वर ने भी बताया कि मेरे को याद नहीं था, बट उसको याद था कि कैसे हमने जब स्टार्ट किया तो पहले दिन पे ओनली सूरत माधव प्रभु एंड सानिका माता जी थे, तो एक छोटे से ग्रुप से आज हम लोग इतना बड़ा ग्रुप है, एवरीबॉडी स्टिल ज्वाइनिंग। सो आप सभी लोगों का एफर्ट है, सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर दैट। हरे कृष्णा।